तो भाई यहाँ तक हमने पढ़ा, रॉकी क्रेजेस मेक इट थ्रो थिक फॉरेस्ट एंड पैसेज ओवर 100 ऑफ रिवर एस्ट्रीम। फिर ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि डेली कर रहा है, रेस्टिंग ऑन ए शेप्ड स्टील क्रॉक कॉल्ड बैंड्स अलॉन्ग सेक्शन ऑफ द पाइन लाइन फॉलोइंग अ ज़िगज़ैग कोर्स हाई अबव द फ्रोजन अर्थ, अदर लॉन्ग सेक्शन ड्रॉप आउट ऑफ स्लाइड बेनेथ स्ट्रॉन्गली क्रॉकी ग्राउंड एंड रिटर्न टू द सर्फेस लेटर ऑन। इसको मैं आपका PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। द पैटर्न ऑफ द पाइपलाइन अप एंड डाउन रूट इज डिटरमाइंड बाय द ऑफन हार्श डिमांड ऑफ द आर्कटिक सब आर्कटिक क्लाइमेट, द टोर्टस ले ऑफ द लैंड एंड द वेरिड कंपोजिशन ऑफ सॉइल रॉक और परफॉर्म ऑन परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड। ए लिटिल मोर देन हाफ ऑफ द पाइपलाइन इज एलिवेटेड अबव द ग्राउंड, द रिमाइंडर इज ब्रेडेड एनीवेयर फ्रॉम 3 to 12 feet deeply largely upon the type of terrain and properties of the soil. One of the largest in the world, the pipeline costs extreme approximately $8 billion and is by the for the biggest and the most expensive construction project ever taken by a private industry. In fact, no single business could raise this much money, so 8 major oil companies form a consortium in order to share the cost. अब ये जो कॉन्सर्टोरियम है ये बड़ा ही है मैं कि मिल के उन्होंने बनाया है, ठीक है जी। और सब कंपनी मिलके ही ये काम कर सकती हैं, वरना कर भी नहीं सकती। तो एक और बात हो रही है कि ऑथर मेंशन ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैज इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द पाइपलाइन रूट एक्सेप्ट द, तो क्लाइमेट की भी बात हुई है, ले ऑफ द लैंड इटसेल्फ की भी हुई है, जितना भी हमने पैसेज पढ़ा, काइंड ऑफ सॉइल एंड रॉक की भी हुई है, लोकल वेजिटेशन की कहीं बात नहीं हुई, ठीक है। और ये जो बात आ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन व्हाट पर्सन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ईच ऑफ द कॉन्सर्टोरियम वट पे, तो अब ये देखें कॉन्सर्टोरियम का जिक्र आ गया ना, मैंने कहा अब यहाँ गौर से देखें, ईच कंपनी कंट्रोल ऑफ राइट एंड पेड इन टू द पाइप लाइन कंस्ट्रक्शन फंड अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ इट्स होल्डिंग। यस, यहाँ से पता चलेगा। तो ऑप्शन है हाउ मच ऑयल फील्ड लैंड ईच कंपनी ओन्ड, तो यही ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा बच्चों, ए ही करेक्ट होगा। फिर कह रहे हैं टू वे डिस्पाइट एनॉर्मस प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइमेट सप्लाई शॉर्टेज इक्विपमेंट ब्रेक टेकन लेबर डिसएग्रीमेंट ट्रेजरस ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड इवन थर्ड द अलास्का पाइपलाइन हैज़ बीन कम्प्लीटेड एंड इज ऑपरेटिंग, तो ये बात भी समझ में आती है। चार तक तो हमारे वैसे ही हो गए हैं, पाँच अंडरटेकिंग से मुराद यहाँ पे अटैम्प्ट है मीनिंग, तो सारे हो गए हमारे, ठीक है भाई। NET पास एवर के सोल्यूशन की प्ले लिस्ट मेरी देखें, इंग्लिश की देखें, बहुत कुछ देखें।